दोस्तों, पृथ्वी अजीबोगरीब बदसूरत खूबसूरत जानवरों से भरा पड़ा है। तो आज की इस वीडियो में आपको मिलवाने जा रहे हैं क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ से। मगरमच्छ पानी और धरती पर पाया जाने वाला खतरनाक जीव है। खुरदरी खाल, उबड़ खाबड़ शरीर और मजबूत जबड़े वाला ये प्राणी ऐसा है कि देखने पर रोंगटे खड़े हो जाए। ये धरती के प्राचीनतम जीवों में से एक है और स्तनधारी और सरीसृप दोनों ही श्रेणियों में आते हैं। भयानक और भयावह इस जीव की खाल बुलेट प्रूफ होती है, जिसे बंदूक की गोली भी भेद नहीं सकती। लेकिन इसके बाद भी मानव द्वारा किए जाने वाले शिकार के कारण इसकी कई प्रजातियां विलुप्त के कगार पर पहुंच गई हैं। इसकी कारण यह है कि इसकी खाल, जो विश्व की सर्वश्रेष्ठ खालों में गिनी जाती है और फैशन इंडस्ट्री में बहुत ही लोकप्रिय है, इसकी खाल से बने कई उत्पाद लाखों में बिकते हैं। मगरमच्छ दिखने में जितना डरावना है उतना रोचक भी है। पृथ्वी पर मगरमच्छ की 23 विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन इनमें से कई प्रजातियां विलुप्त के कगार पर हैं। मगरमच्छ धरती के प्राचीनतम जीवों में से एक है। ये डायनासोर के समय से अस्तित्व में है। इस पृथ्वी पर लगभग 240 मिलियन वर्षों से इनका वास है। मगरमच्छ मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, खारे पानी के मगरमच्छ और मीठे पानी के मगरमच्छ। खारे पानी के मगरमच्छ समुद्र और नदियों के मुहाने पर पाए जाते हैं, वहीं मीठे पानी के मगरमच्छ नदियों, झीलों और दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आकार में खारे पानी के मगरमच्छ मीठे पानी के मगरमच्छ से ज़्यादा बड़े होते हैं। इनकी लंबाई लगभग 5 से 7 फीट तक होती है और वजन लगभग 900 किलोग्राम से 1000 किलोग्राम तक होता है। अब तक का सबसे बड़ा साल्ट वाटर क्रोकोडाइल आश्चर्यजनक रूप से 20.24 फीट लंबा था। विश्व के सबसे बड़े मगरमच्छ की प्रजातियाँ भारत, फिजी, ऑस्ट्रेलिया के खारे पानी में पाई जाती हैं। इस प्रजाति को क्रोकडोलस पुरारस के नाम से जाना जाता है। इनकी लंबाई 123 फीट और वजन लगभग 100 किलोग्राम तक हो सकता है। सबसे छोटा मगरमच्छ ड्वार्फ मगरमच्छ होता है। इसकी लंबाई 5 फुट तक होती है और वजन 32 किलो तक होता है। मचीमोसोरस रेक्स दुनिया का सबसे बड़ा मगरमच्छ था। इसका आकार बस जितना बड़ा था। इसकी लंबाई 30 फीट और वजन 3 टन था। इसकी खोपड़ी 5 फुट लंबी थी। मगरमच्छ कई स्थानों में रह सकते हैं, जैसे झील, नदी, ताज़ा पानी, खारा पानी और ताजे और खारे पानी का मिश्रण में रह सकते हैं। मगरमच्छ मुख्यतः एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मगरमच्छ के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने का मुख्य कारण ये है कि वे ठंडे खून वाले जीव होते हैं। इस कारण से वे स्वयं का ताप उत्पन्न नहीं कर सकते। कोल्ड ब्लडेड होने के कारण मगरमच्छ गर्म मौसम में भूमिगत आश्रय में प्रसुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं। इसे ग्रीष्म निष्क्रियता भी कहते हैं। ग्रीष्म निष्क्रियता यानी एस्टिवेशन के समय मगरमच्छ हर 2 मिनट में 1 या 2 बार ही सांस लेते हैं। इनके शरीर का तापमान भी 15 डिग्री गिर जाता है, जो इनके मेटाबोलिक को कम कर देता है। एस्टिवेशन के समय मगरमच्छ का हार्ट रेट 40 BPM से गिरकर 5 BPM हो जाता है। मगरमच्छ मांसाहारी जीव है, ये सिर्फ मांस खाते हैं। मगरमच्छ के मुंह में 24 दांत होते हैं, जो बेहद नुकीले होते हैं। इसका जबड़ा भी बहुत मजबूत होता है। इसके बावजूद ये अपने शिकार को चबाने के लिए स्थान पर निकलना पसंद करते हैं। मगरमच्छ के बारे में एक अनोखी बात यह भी है कि शिकार को निकलने के बाद ये पत्थर के टुकड़े भी निकल जाते हैं। पत्थर के टुकड़े पेट में जाकर भोजन को तोड़कर और पीसकर चूरा बना देते हैं। यह प्रक्रिया भोजन पचाने में सहायक होती है। मगरमच्छ अपनी जीभ ना तो हिला सकते हैं और ना ही एक बार बाहर निकाल सकते हैं। जीभ का काम भोजन पचाने के लिए जूस उत्पन्न करना होता है, या जूस लोहे को भी गला सकता है। किसी भी कशेरुकी प्राणी में मगरमच्छ का पेट सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है। इस कारण से अपने शिकार की हड्डियां, सींग, खुर आदि को आसानी से पचा लेते हैं। अपने पेट की अम्लीयता को उदासीन करने के लिए मगरमच्छ क्षारीय द्रव्य छोड़ते हैं, जिसके कारण से इनका खुद का पेट पच जाने से बच पाता है। मगरमच्छ कभी भी अपने शिकार को जिंदा रहते हुए नहीं काटते फाड़ते। वे उसे खींचकर पानी में ले जाते हैं ताकि वहां पर डूबकर मर जाए। फिर वे उसके शरीर को काटकर चीरकर खाना प्रारंभ करते हैं। मगरमच्छ को अक्सर शिकार मुंह में दबाए पानी में लौटते हुए देखा जाता है। ऐसा ये शिकार अपने पानी की खुशी में नहीं करते, बल्कि असल में हाथ ना होने के कारण ये शिकार के मांस को चीर पाने की अक्षम होते हैं। इसलिए दो मगरमच्छ शिकार को अपने जबड़े में पकड़ते हैं, फिर उनमें एक लौटने लगता है या दोनों विपरीत दिशा में लौटने लगते हैं। इससे शिकार का मांस छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को डेथ रोल भी कहा जाता है। मगरमच्छ जब तक
चिड़ियाघर में होते हैं तो मरे हुए चूहे मछलियां आदि खाते हैं। जंगल में ये कठोर चमड़ी वाले जानवर मेंढक मछली हिरण पक्षी और कभी कभी तो इंसानों का भी शिकार कर उन्हें अपना भोजन बना लेते हैं। मगरमच्छ की दृष्टि तेज होती है, रात में ये इनकी दृष्टि दिन की अपेक्षा और बेहतर होती है। मगरमच्छ में पानी के भीतर भी स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता होती है। रात के समय मगरमच्छ की आंखें चमकती हुई दिखाई देती है, ऐसा इसमें पाए जाने वाले चमकदार पदार्थ के कारण होता है जो रात में चमकता है। मगरमच्छ रात में अब जब पानी के भीतर से बाहर देखते हैं तो इनकी आंखें लाल डाट की तरह दिखाई पड़ती हैं। मगरमच्छ की एक अनोखी बात यह है कि अपनी एक आंख खोलकर भी सो सकता है। मगरमच्छ पानी में लगभग 25 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकते हैं और इनकी मजबूत पूंछ के कारण ये संभव हो पाता है। मादा मगरमच्छ एक साथ 20 से 80 अंडे देती है और 3 माह तक इन अंडों की देखभाल करती है, लेकिन इनमें से 99% मगरमच्छ बड़े होने के पहले ही मर जाते हैं या फिर किसी जानवर का शिकार हो जाते हैं। मादा मगरमच्छ मिट्टी की घोंसले बनाकर अपने अंडों को उनमें दबा देती है और फिर उन घोंसलों की देखभाल करती है। जब बच्चे अंडे में निकलने वाले होते हैं तो आवाज़ करते हैं। इस आवाज़ को सुनकर मादा मगरमच्छ घोंसलों से मिट्टी हटाकर बच्चों को बाहर निकाल लेती है और अपने मुँह से दबाकर सीधा पानी में ले जाती है। मगरमच्छों के घोंसले का तापमान यह निर्धारित करता है कि अंडों में से निकलने वाले मगरमच्छ का लिंग क्या होगा। घोंसले का तापमान अगर 32.6 डिग्री सेल्सियस होने पर ही नर मगरमच्छ पैदा होते हैं, इससे अधिक या कम तापमान होने पर मादा मगरमच्छ पैदा होते हैं। जंगल में रहने वाले मगरमच्छ का जीवन काल 30 से 50 वर्ष का होता है। पानी में रहने वाले मगरमच्छ का जीवन काल 80 साल से भी अधिक हो सकता है। मगरमच्छों को सांस लेने के लिए पानी की सतह के बाहर थोड़ी देर में आना पड़ता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर ये पानी के भीतर 5 से 6 घंटे आराम से बिता सकते हैं। ज़्यादातर मगरमच्छ अपना मुंह खोलकर सोते हैं। मगरमच्छ के गले के पीछे एक वाल्व होती है जिसके कारण ये पानी के अंदर भी अपना जबड़ा खोलकर रख सकते हैं। क्रोकोडाइल टीयर्स, मगरमच्छ को अक्सर आंसू बहाते देखा जाता है। ऐसा किसी दुख के कारण नहीं करते, बल्कि शिकार को खाने से इनके मुँह में बहुत ही ज़्यादा वायु बाहर निकल जाती है। ये वायु आंसू पैदा करने वाले लैक्रिमल ग्लैंड के संपर्क में आती हैं और आंसू बहने लगती है। मगरमच्छ में स्तनधारी मैमल और सरीसृप रेप्टाइल दोनों के गुण होते हैं। जमीन पर होने पर इनका हृदय स्तनधारियों की तरह काम करता है और पानी में सरीसृपों यानी कि रेप्टाइल्स की तरह काम करता है। मगरमच्छ पानी में भी लंबे समय तक रह सकते हैं। मगरमच्छ ठंडे खून वाले प्राणी हैं। इनका मेटाबॉलिज्म बहुत धीमा होता है, यही कारण है कि बिना भोजन के भी ये लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। बिना भोजन के ये लगभग 1 माह तक जीवित रह सकते हैं। आपने अक्सर मगरमच्छ को नदी के किनारे जबड़े खोलकर लेटे हुए देखा होगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि ये आक्रमण की तैयारी में है, असल में ऐसा ये खुद को ठंडा रखने के लिए करते हैं, विशेषकर गर्मियों के मौसम में। पसीने की ग्रंथि नहीं होने से मगरमच्छों को पसीना नहीं आता, ऐसे में ये अपने शरीर की गर्मी मुंह द्वारा बाहर निकालकर खुद को ठंडा रखते हैं। मगरमच्छ का शिकार इसकी मांस और खाल के लिए किया जाता है। खाने और दवाई के साथ ही इसका व्यावसायिक इस्तेमाल भी किया जाता है। सबसे पहले इसका व्यावसायिक इस्तेमाल 1800 के दशक में उत्तरी अमेरिका में हुआ था। 1950 के बाद से दक्षिण अमेरिका में भी इसका व्यावसायिक इस्तेमाल शुरू हो। मगरमच्छ की खाल सभी वन्य प्राणियों की खालों में सर्वोत्तम मानी जाती है। इसकी गुणवत्ता उच्च होती है, ये काफ़ी मजबूत होती है और ऐसी कई आदिवासी जातियां हैं जो मगरमच्छ की खाल रखना स्टेटस का सिंबल मानती हैं। मगरमच्छ की खाल का इस्तेमाल जूते पैकेट पर्स बनाने में किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मगरमच्छ के खाल से बने बैग्स और जैकेट की कीमत हजारों लाखों में होती है। मगरमच्छ के रक्त और पित्त की भी मांग बहुत अधिक होती है, इसका इस्तेमाल दवाइयाँ बनाने में होती है। इसके 1 लीटर रक्त की कीमत 1000 रुपये और इसके पित्त की कीमत 76,000 रुपये तक हो सकती है। MRSA वायरस को नष्ट कर सकता है। जी हाँ, मगरमच्छ का रक्त HIV और MRSA वायरस को नष्ट कर सकता है। क्रोकोडाइल फार्मिंग के एक बिजनेस का रूप ले लिया। इसमें अव्वल स्थान पर आता है थाईलैंड, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और तीसरे नंबर पर आता है। दक्षिण अफ्रीका। मगरमच्छ की पीठ की खाल बहुत कठोर होती है, इतनी कि इसे बुलेट से भी नहीं भेदा जा सकता। यह हड्डीनुमा संरचना से निर्मित होती है जिसे ऑस्टियोडर्म्स कहते हैं। यह ऑस्टियोडर्म्स ही मगरमच्छों की पीठ की खाल को बुलेट प्रूफ बनाता है, लेकिन मगरमच्छों के पेट की चमड़ी बहुत मुलायम होती है। मगरमच्छ और घड़ियाल एक नहीं होते। मगरमच्छ आकार में घड़ियाल से कई अधिक बड़े होते हैं। इसका जबड़ा वी शेप का होता है और बंद होने पर इनके कुछ दांत दिखते हैं। वहीं घड़ियाल
का जबड़ा यू शेप का होता है और बंद होने पर इनके दांत नहीं दिखते। मगरमच्छ का गला घड़ियाल की तरह सकरा ना होकर चौड़ा होता है, इस कारण से यह छोटे मोटे जानवर को समूचा निगल जाते हैं। मगरमच्छ की जबड़ा खोलने वाली मांसपेशियां बहुत कमजोर होती हैं, इस कारण इसके बंद जबड़े को इंसान खाली हाथों से भी आसानी से बंद कर सकता है। इसके विपरीत मगरमच्छों के जबड़ा बंद करने वाली मांसपेशियां बहुत मजबूत होती है, इस कारण वे अपना जबड़ा मजबूती के साथ बंद कर सकते हैं। संपूर्ण प्राणी जगत में काटने की सबसे ज़्यादा शक्ति मगरमच्छ की होती है। नेशनल ज्योग्राफिक के अनुसार साल्ट वाटर मगरमच्छ का सबसे स्ट्रांगेस्ट बाइट फोर्स 3700 पाउंड्स पर इंच होता है, जो 16460 न्यूटन के बराबर होता है। मगरमच्छ में अपना ठिकाना निवास पहचानने की क्षमता होती है। एक बार उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में 3 साल्ट वाटर मगरमच्छ को हेलीकॉप्टर द्वारा 400 किलोमीटर दूर छोड़ दिया गया, लेकिन वे वहां से अपने ठिकाने पर 3 हफ्ते में वापस लौट आए। मगरमच्छ घात लगाकर हमला करने वाले जीव हैं। ये अपने शिकार का पीछा नहीं करते, बल्कि चुपचाप शिकार के पास आने का इंतजार करते हैं। मगरमच्छ के पूरे शरीर पर, विशेषकर जबड़े में सेंसर्स होते हैं। ये सेंसर्स उनके मस्तिष्क से जुड़े होते हैं। उनके कारण ही मगरमच्छ पानी में होने वाली छोटी से छोटी हलचल को भाप देते हैं और अपने शिकार का पता लगाकर उस पर हमला कर देते हैं। मगरमच्छ के सिर पर दिखने वाली लकीरें वास्तव में लकीरें नहीं होती, बल्कि वे उनकी त्वचा की दरारें होती हैं। प्राचीन मिस्र के निवासी मगरमच्छ के गोबर का इस्तेमाल गर्भ निरोधक के रूप में करते थे। प्राचीन मिस्र में एक शहर क्राकोडिलोपोलिस था। उस शहर की एक झील में मगरमच्छों को गहनों से सजाया जाकर उनकी पूजा की जाती थी। प्राचीन मिस्र में मान्यता थी कि मगरमच्छों में उनके सौभाग्य देवता की आत्मा है, इसलिए वहां मगरमच्छों की मम्मी बना दी जाती थी। मगरमच्छ प्रतिवर्ष लगभग 1000 इंसानों पर हमला कर उन्हें मार डालते हैं। इंसानों पर मगरमच्छ के अधिकांश हमले अफ्रीका में होते हैं। एक बार अफ्रीका में गुस्ताव नामक मगरमच्छ ने 300 लोगों को मार डाला था। मगरमच्छ के जबड़े की पकड़ से बचने के लिए उसकी आंखों को अपने अंगूठे से दबाएं, वह आपको तुरंत छोड़ देगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।